नमस्कार दोस्तों, दिशा पटानी या कीर्ति सेनन में कौन बेटर है या बेस्ट? हम जानते हैं इन दोनों एक्ट्रेस में से कौन बेस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर आज मैं इन दोनों के बारे में आपके साथ कुछ कंपैरिजन शेयर करने वाला हूं। उस बेस पर आप डिसाइड करना कौन बेस्ट, एंड आई एम श्योर आपको ये कंपैरिजन बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इस कंपैरिजन के पीछे काफी रिसर्च किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन बेटर, दिशा पटानी या कीर्ति सेनन? मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। दिशा ने अपना करियर 2015 में तेलुगु फिल्म लोफर से, जबकि कीर्ति ने 2014 में तेलुगु फिल्म ननौका डाइन से शुरू किया। वहीं दिशा ने बॉलीवुड डेब्यू फिल्म एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी से, जबकि कीर्ति ने फिल्म हीरोपंथी से शुरू किया। दोनों ही एक्ट्रेस ने बेस्ट फीमेल बॉलीवुड डेब्यू किया, पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कीर्ति सेनन की फिल्म हीरोपंथी ने एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के मुकाबले ज्यादा की। वहीं 2020 तक दिशा की 5 सक्सेस फिल्मों के कंपैरिजन में कीर्ति को ऑडियंस ने 8 फिल्मों में ज्यादा पसंद किया। ऑल ओवर सारे सेट्स को देखकर ये पता चलता है कीर्ति सेनन एक बेटर एक्ट्रेस है, पर बेटर एक्ट्रेस का मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं होती। दिशा बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन टेकर एंटरटेनर भी है, और कीर्ति के कंपैरिजन में ऑडियंस ने उनके एक्शन एवं स्टंट को ज्यादा पसंद किया है। इसलिए जैकी चैन के साथ उनकी फिल्म कुंग फू योंग वर्ल्ड वाइड 250 मिलियन $ क्लब में एंट्री कर पाई। एवरेज परफॉर्मेंस कीर्ति की आई है बिकॉज ऑफ कीर्ति ने पहली 10 फिल्मों में दिशा के मुकाबले बेटर एक्टिंग कर फिल्म को लीड किया। वहीं दूसरी ओर दिशा ने कीर्ति के मुकाबले बॉलीवुड के बड़े स्टार के साथ एक्टिंग कर फिल्म को हिट करने में सपोर्ट किया, जहां दिशा एक्टिंग के साथ साथ अपने स्टंट की वजह से फिल्म को एंड तक एंटरटेन करती चली गई। इसलिए दोनों में से बेस्ट कौन अभी डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं दोनों की फिल्मोग्राफी को लेकर, तो दिशा ने 2021 तक एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, बागी 2, भारत मलंग और राधे जैसी फिल्मों में लीड रोल एक्टिंग की एवं एक विलेन रिटर्न्स 2022 में रिलीज होगी। वहीं कीर्ति ने अब तक ननौका डाइन, हीरोपंथी, बरेली की बर्फी, लुका छुपी, हाउसफुल और पानीपत जैसी फिल्मों में लीड रोल एक्टिंग की एवं मिमी में बच्चन पांडे 2021 में रिलीज होगी। भले ही दोनों के बीच दोस्ती रही हो, मगर दोनों की एक्टिंग और स्टाइल बिल्कुल अलग है। कीर्ति को ऑडियंस द्वारा एक्ट्रेस ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर दिशा अपने स्टंट और पैशन के लिए जानी जाती है। सो दोस्तों, क्वेश्चन इज दैट हु इज बेटर? एज ए एक्ट्रेस कीर्ति ने दिशा से ज्यादा सक्सेस फिल्में की है, जबकि दिशा की एक्टिंग के साथ साथ उनकी स्टंटबाजी ने फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑफ ईयर तक पहुंचाया। वहीं कीर्ति ने दिशा के फिल्म फेयर, जी सिने, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवीज और फिल्म फेयर ग्लैमर ऑफ स्टाइल जैसे 6 के मुकाबले 19 अवार्ड में जीत दर्ज कर उन्हें ज्यादा बेटर बनाता है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि दिशा कीर्ति की इस अवार्ड डिफरेंसेस को बीट कर सके, पर तब तक के लिए कीर्ति ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस नजर आ रही है। अब बात करते हैं दोनों एक्ट्रेस की नेटवर्थ की, तो दोनों ने अपनी फिल्म फीस से काफी कमाया है, साथ ही दोनों ने ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स में भी काम किया है। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर से होने के बावजूद 2021 में दिशा की पर्सनल नेटवर्थ 74 करोड़ है, जो एक एक्ट्रेस के साथ साथ स्मार्ट इन्वेस्टर भी है, जिनकी फिल्मों के अलावा ज्यादातर इनकम उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट डील से होती है, जो अमेरिकन फैशन हाउस केल्विन क्लेन, पेप्सी, आसुस, मैक और अरेलिया, फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मंत्रा, पॉन्ड्स, वाउ स्किन, फॉसिल, वुमेन क्लोथिंग ब्रांड टीसीएनएस, इंटरनेशनल वॉच एंड कॉफी जैसे टॉप ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है। वहीं अब बात करते हैं 2021 में कीर्ति की पर्सनल नेटवर्क 29 करोड़ के करीब है। कीर्ति विवेल पर्सनल केयर, जॉय स्किन केयर, मैजिक ब्रिज रियल स्टेट, अर्बन क्लब ब्यूटी वर्टिकल, वर्लपूल एयर कंडीशनर, कैडबरी फ्यूज, पैरासूट, जस्मिन हेयर ऑयल, प्रोइज नैपकिन, एलजी केटन, सैमसंग हीरो, बोरोप्लस, एस ग्रुप, हिमालय पर्सनल केयर, अमूल आइसक्रीम, अमेरिकन स्वान, मिस टेकन, टाइटन वॉच एंड बाटा फुटवेयर जैसे क्वालिटी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है, जहां से एक बड़ा हिस्सा कीर्ति को मिलता है। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो कीर्ति के इंस्टाग्राम पर 40 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जबकि दिशा के 45 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो क्लियरली दिशा वर्सेज कीर्ति में पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो लगता है कि दोनों ही बहुत कैपेबल और सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, बट दिशा इज मच बेटर। तो दिशा इज द क्लियर विनर। दोस्तों, दोनों एक्ट्रेस के बारे में आपकी क्या राय है? हु इज बेटर एंड योर फेवरेट, वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। तो फ्रेंड, दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस इंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप देखना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।